मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। यह आप पर निर्भर है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे। बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता, बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। पैशन वो चीज है जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दी जाए, फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हैं। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर इंसान मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। जिस चीज को लेकर आपके अंदर पैशन है, उसका प्रयोग करके क्या आप अपने समाज की कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं? पैशन आपके दिमाग में होता है, प्रॉब्लम बाहर समाज में होती है। अगर हम इस पैशन और प्रॉब्लम्स को एक करके प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दें तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। अगर आप इसी जीवन में अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी कमाई पर फोकस मत करिए, बल्कि अपने आत्मविकास पर भी पैसा खर्च करिए, क्योंकि हर इंसान को उतना ही मिलता है जितना वह काबिल होता है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। अगर पहले प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में जिंदगी भर रिपेयर करते रहना। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हो तो काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हो। आज भी जमाना इसी बात से खलता है कि आदमी इतनी ठोकर खाकर भी सीधा कैसे चलता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसे नहीं मिले तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं? जब जब दबाव बढ़ता है तब तब प्रभाव घटता है। यदि आप बार बार विफल हो रहे हैं तो उसे हार की तरह नहीं, अवसर की तरह देखिए और फिर से एक बार कोशिश करने में लग जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब खास है। आप परिस्थितियों को दोष देते हैं पर मन स्थिति में सुधार नहीं लाते। अपने मन की स्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएंगी। अगर व्यापार में सफलता पानी है तो फास्ट मूवर बने, क्योंकि अंत में आपके लिए कोई नहीं रुकता। हमेशा जीत आगे आने वालों की होती है। ताउम्र यही गलती करता रहा गालिब, धूल तो चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। अगर आपकी फल की इच्छा है तो पेड़ में पानी डालिए और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखिए, फल आपको मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि आपका काम ही है जो आपको सफल और विफल बनाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनके जीवन में बड़ा गोल है और एक वो जिनका जीवन गोल गोल है। मैं अपने कल के रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, अगर खुद से ऐसी बातें करने का साहस रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यापार और जिंदगी को बेहतर ढंग से समझना है तो भगवद गीता का अध्ययन करें, क्योंकि इसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, पहला जो इतिहास रटने में अपना समय बिताते हैं, दूसरा जो इतिहास रचने में अपना समय बिताते हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। आज की दुनिया में सफल और जिंदा वही है जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि यही आदत आपके पतन का कारण बन सकती है।